पहले से गाते थे, गुरु ने उनको बाद में ट्रेनिंग दिया।
7 वर्ष की 8 वर्ष की आयु में एकदम से वो गाने लग गए और फिर उनके प्रोग्राम्स होने लगे। 5-5 घंटे तक प्रोग्राम्स होते थे जिसमें वो शास्त्रीय संगीत गाते थे या जो रिकॉर्ड सुन लेते वो बेसिकली बेसिक गा देते थे। तो चाइल्ड प्रोडिजी थे और उनके जीवन में चमत्कार हुआ। मेरे जीवन में कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई भी चमत्कार नहीं हुआ। मतलब वहाँ यदि रिवॉल्यूशन हुई उनके जीवन में तो मेरे जीवन में अगर हुआ तो रिवॉल्यूशन ही हुई, कोई चमत्कार नहीं हुआ कोई भी किसी भी प्रकार का। मतलब मेरे को कोई भूत भी नहीं दिखा, जैसे सपना आया और वो सच हो गया। अगर इतने सादे से चमत्कार भी नहीं हुए मेरे जीवन में, नहीं कोई भी चमत्कार मेरे जीवन में नहीं हुआ। तो ऐसे जो फ़र्क हैं ये फ़र्क हमेशा वो पक्के हैं अपनी जगह। कुमार जी की जो बैंक चली थी वो से ग्वालियर खाने की बैंक शैली के रूप में हम सभी लोग जानते हैं, सभी समीक्षक और आलोचक से ग्वालियर खाने की शैली है। और अब इस प्रकार भी चल रही है उसको देखते हुए आपने आपको केवल ग्वालियर घराने का ही अपनी गायकी को सीमित नहीं रह सकते, नहीं गंधर्व साहब जो थे उन्होंने भी ग्वालियर घराने का आज कह रहे हैं कि वो ग्वालियर घराने की गायकी उनकी थी वो भी मानते थे, परंतु उन्होंने ये हमें नहीं सिखाया कि अपनी गायकी को आप ग्वालियर घराने तक ही सीमित रखो या कोई दूसरे घराने की बंदिश अगर आपको सीखने को मिले तो आप वो न गाएँ, ऐसा कुछ नहीं। ऐसी नकारात्मक भूमिका मेरी नहीं है, सकारात्मक भूमिका कोई अपनाया है कि कोई भी यदि नई विधा दिखती है तो उसको अपनों ने आत्मसात करना चाहिए या अपने में से भी कोई यदि क्रिएटिव प्रोसेस चालू होता है या कोई दूसरा भी करता है तो उसको अपनों ने पोषक ऐसे प्रयत्न करना चाहिए। कोई भी नई विधा यदि चले और इसी से गायकी या संस्कृति मेरे ख्याल से मजबूत होती है कि यदि कोई नई चीज़ उसमें आए तो उसको अपनाना या कोई नई संस्कृति का व्यक्ति या नई स्कूल का आदमी अगर दूसरे स्कूल को आके समझता है तो एज ए थर्ड पर्सन उसको पहले वो देखता है, उसके बाद में वो आत्मसात करता है और आत्मसात होने के बाद में वही उसके अंदर से बाहर निकलता है। तो ये जो एक बाहर निकलना है इसके साथ साथ उसकी एक ओरिजिनलिटी जुड़ी हुई होती है और वो जो ओरिजिनलिटी है वो जो अलगपन है वही योगदान है कला के क्षेत्र में या संस्कृति के क्षेत्र में, वो एक जो अलगपन लिए हुए उसका योगदान होता है। तो कोई भी परंपरा ऐसी नहीं है कि वो वैसी की वैसी है, उसमें कुछ सोर्सेस आके मिलते भी रहते हैं और कुछ सोर्सेस निकलते भी हैं। आपके पिताजी गाते हैं और आप गाते हैं तो उसमें क्या फर्क है, कोई इलस्ट्रेशन में दे सके? क्योंकि मैंने गंधर्व साहब की तरफ मिमिक्री के दृष्टिकोण से कभी देखा ही नहीं क्या, तो मैं उनकी नकल नहीं कर सकता। मिमिक्री पकड़ने वाला क्या करता है कि केवल एक कैरेक्टरिस्टिक उसकी पकड़ के और उसका एक व्यंगात्मक चित्र खड़ा करता है। उस दृष्टि से मैंने उनकी तरफ कभी नहीं देखा और उनके दोषों जो दोष थे उनके क्या है शरीर के लिए उनको कष्ट होता था तो उनको भी ग्रास करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ऐसा क्या कहते अभी आपने कहा कि वो कुमार साहब क्रिएटिव थे और आप पारंपरिक थे, क्या आपका अपने आप में कभी ऐसा सोचते हैं कि मैं क्रिएटिव होऊंगा तो वो संस्था के बारे में? नहीं नहीं, थोड़ी बहुत क्रिएशन हो जाना बात अलग है, लेकिन एक बेसिक उन्हें एक दो सबसे ज़्यादा उसका आदमी का जो एक टेंट है वो जिस तरह टेंट करता है वो जो उसका एक स्वभाव धर्म है कि वो क्रिएटिव ही थे। वो भाई ऐसा मैं कह रहा हूँ ना कि कोई अच्छी सी कलाकृति हो जाना किसी के हाथ से वो एक बात अलग है, लेकिन कुमार साहब वो एक्सट्रीमली क्रिएटिव, हाँ वो क्रिएटिव ही थे ऐसा कहा जाए तो भी चलेगा। जो उनकी जब आप गायन की अवस्था में होते हैं
या रियाज करते होते हैं, कुछ उस वक्त आपको महसूस होता है कि आपके रियाज से या लगातार संगीत साधना से ऐसी किसी नई कृति का जो है निर्माण वो नहीं रहता है, हो सकता है संभावना है? संभावना तो है, संभावना तो है। गांधी मला के पीछे तुम्हारी के शायद ये भावना थी कि एक तो राष्ट्रीय भावना को उन्होंने जो है उसमें एडाप्ट करने की कोशिश की हुई थी और उसे उन्होंने शास्त्रीय संगीत से जोड़ने की कोशिश की थी कि शास्त्रीय संगीत जो है वो पूरी तरह राष्ट्रीय गतिविधियों से बिल्कुल कट न जाए, एकदम आइसोलेटेड न हो जाए। क्या उनका उनकी ये जो कोशिश थी वो नहीं, मैं जहाँ तक गांधी मल्लार के बारे में जानता हूँ, आपका कहना सही है अपनी जगह, लेकिन मैं जहाँ तक गांधी मल्लार के बारे में जानता हूँ उसके बारे में गंधर्व साहब की भूमिका ऐसी थी कि एक तो गांधी जी को बहुत मानते थे और उस गांधी मल्लार में जो शुद्ध गंधार है उस शुद्ध गंधार को उन्होंने गांधी जी की करुणा के रूप में देखा है। गांधी जी के मन में जो करुणा थी इस भूमिका से उन्होंने उस शुद्ध गंधार का उपयोग किया और उसके साथ ही जो रागदारी संगीत के जो शास्त्र है उसके हिसाब से जो स्वर संवाद होते हैं राग में, जो राग को बनाते हैं और राग की तह में होते हैं, तो उनमें बाकी जो मल्हार हैं जिस मल्हार का जो स्वरूप है उसमें रे म रे प ये संगतियाँ हैं, लेकिन जो शुद्ध धेवत है उसके साथ गंधार की संगति नहीं है। तो इस राग में उन्होंने ध ग संगति भी आगे लाई। तो ये जो राग है ये राग किसी दूसरे राग के मिश्रण से बना हुआ ऐसा नहीं है। आधार उन्होंने मल्हार का लिया लेकिन उस मल्हार में भी केवल एक संगति को उन्होंने बढ़ाया। तो ये जो करना है इसके पीछे काफ़ी शास्त्र का एक अच्छा नॉलेज होना का प्रमाण है ये। तो उनके हाथ से कुछ रागों की क्रिएशन हो गई थी इसलिए वो राग का शास्त्र कैसा बनता है इसमें बाद में वो प्रवीण थे इसलिए वो एक नया राग भी बना सके। वस्तुतः वो ये कहा करते थे कि राग बनाया नहीं जाता बन जाता है। मल्हार का स्वरूप है रे प रे प म रे सा। अब यहाँ क्या होता है कि ये जो शुद्ध धैवत है ये मल्हार मारे पानी नी पा ऐसा नहीं है। उस धैवत के ऊपर सीधा फोकस नहीं है मल्हार में, लेकिन गांधी मल्हार ने उस धैवत को लेके शुद्ध गंधार की संगति दी। कैसे मारे मध्य सप्तक के देवत से भी मंद्र सप्तक के देवत से भी जो शुद्ध गंधार है उसकी संगति मारे प निदानी प मा प निदानी सा धानी प मा प मा ग म रे सा नि सा धानी। ये मल्हार हो गया नि धानी सा ध ग ग ग सा मारे प मा प प प निदानी प मा प द ग म प ग ग म प धैवत के साथ गंधार की संगति थी। तो मियाँ मल्हार में वो धैवत और ये शुद्ध गंधार ये है नहीं, केवल धैवत का कण है। उसी को उन्होंने उसको और एक्सटेंड किया उसको और बढ़ाया उसको मल्हार के अंदर की पॉसिबिलिटी को, क्योंकि धैवत तो पहले से ही मल्हार में है। अब वो बाद में तो स्वयं तो कुछ भी कहते थे उनकी चीज़ है वो कुछ भी बड़े लाइट मोड में कहते थे, लेकिन ऐसा यानी वो अपन किसी एक क्या कहते हैं एक ही धारा का लॉपसाइडेड डेवलपमेंट से बचने का उसमें एक ये था कि भाई इधर भी देखो
ठुमरी की विधाएं कुछ अलग अलग हैं, उसका भी अभ्यास किया। लेकिन कुल मिलाकर के वो कुमार जी ने जो बड़ी धारा हमको बताई उससे कुछ हटके नहीं था, तो वो अलग था ऐसा भी नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, हमारे इम्प्रोवाइजेशन के लिए, हमारे कलात्मक विकास के लिए उन चीज़ों की ज़रूरत थी। उनके पैरेलल वैसी सर्वांग परिपूर्ण ऐसी गायकी रखने वाले दूसरे कलाकार कम हुए ना। उन्होंने ही अभ्यास किया था काफ़ी गायकों का, जैसे रामपुर घराने की चीज़ें थी उनके पास, और जयपुर घराने की भी चीज़ें थी, और ऐसा आगरा घराने का भी उनके ऊपर इन्फ्लुएंस था। हालांकि उनका आवाज़ तो काफ़ी पतला था, लेकिन वो सिखाते समय बराबर सिखाते थे कि अभी नायकी कांगड़ा का हम जो ख्याल तुम्हें सिखा रहे हैं आगरा घराने का है। उसका भी जो स्वरूप है, स्ट्रक्चर है हंस ध्वनि का, वो वाताभि गणपतिम के आधार पर है। वाताभि गणपति मूल रचना है। हाँ, फिर उसके बाद में पिक्चर में भी आई, जाओ मैं तो से ना ही बोलूँ कन्हैया, तो अपने रविशंकर जी ने संगीतबद्ध किया। मतलब फिर वो आपने उत्तर भारतीय संगीत में बहुत पॉपुलर हो गया रहा। आमिर खान साहब ने भी गाया। ये दोनों फिल्मों में जारी एक्सप्रेशन नहीं, मैं उनकी गायकी से परिचित नहीं रहा। नहीं मतलब जैसे आते हैं वो नहीं, उसी के आधार पे मतलब जो मूल वो राग का मूल रचना जो है पुरानी, वो वाताभि गणपति, उसी के आधार पे बाद में वो राग अपने उत्तर भारतीय संगीत में इंट्रोड्यूस हुआ, और उसका जो स्वरूप है उसी के स्वरूप जैसी फिर रचनाएं उसके अंदर हुई, ऐसा मैं कह रहा हूँ। कृति गाई, मूल कृति गाई थी। और तो और हमसद बनी का इससे और अलग स्वरूप भी दक्षिण भारतीय संगीत में है, उससे अपन परिचित ही नहीं है, क्योंकि मूलतः वो राग का हमसद बनी दक्षिण भारतीय संगीत का है। अपने को वो वाताभि गणपति का जो स्वरूप है वही मालूम है। नहीं, जो भी उन्होंने किया उगाया स्वयं क्रिएट करना, उसको प्रस्तुत भी स्वयं ही करना, सभी तो अच्छा पूछ रहे हैं, लेकिन आप किसको शैली कह रहे हैं, किस शैली की संगीत की किस विधा की बात कर रहे हैं आप, ख्याल कायदे की बात कर रहे हैं आप, भजनों की बात कर रहे हैं? तो भजनों में लोक संगीत का कोई संबंध नहीं है, भजनों में लोक संगीत का कोई संबंध नहीं है। परंतु हाँ, भजना का क्या कह रहे थे? हाँ, साधु और जो योगी आया करते थे और वो भजन गाया करते थे, तो उन्होंने उनकी भजन गायन की शैली को जो है कबीर गायन में एडाप्ट किया और उसको जो है उन्होंने डेवलप किया। तो इस तरह ये जो शैली लोक जीवन से ली गई शैली, तो उसका जो है भजन गायकी में और भी अधिक नहीं, ऐसा है कि जो संगीतकार है उसमें वो संगीतकार तब होता है कि जब वो स्वरावलियाँ एस्टेब्लिश करता है, उसकी स्वरावलियों का कुछ अर्थ निकलता है। जैसे साहित्यिक वो बड़ा होता है कि जिसकी पंक्तियाँ कुछ मायना रखती हैं, उनको आप काट नहीं सकते। वागर्थ वो संपृक्त वागर्थ प्रतिपत्त जगत पितरो वंदे, अब ये जो एक महाकवि की लाइन लिखी गई है वो अपनी जगह एक पत्थर की लगी है। तो वो बात
संगीतकार में होती है कि वो किसी शब्द को ऐसे स्वर देता है, ऐसे कपड़े पहनाता है कि वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट होते हैं, वो अपनी जगह सही होते हैं स्वर। जैसे उन्होंने किसी कबीर की भजन को समझ लो कंपोज किया, तो अपनी दृष्टि से तो ऐसे ही कि भाई ट्यून दे दी, और ट्यून बदल के दूसरी भी ट्यून दे सकते हो आप। कबीर के भजन को आज थोड़ी गाया जा रहा है, बरसों से गाया जा रहा है, सभी लोग अपने अपने ट्यून में गाते हैं। लेकिन कुमार जी ने उसको जो ट्यून दी, उनकी उनका बड़प्पन इसमें है, उनकी सांगीतिक महत्ता इसमें है कि उन्होंने जो स्वर दिए वो स्वर भी अपने जगह कुछ मीनिंग रखते हैं। ये उस संगीतकार का काम है, और संगीतकार वो यहाँ दिखता है कि उनके हम उस मतलब कहने का तात्पर्य है कि वो रचनाओं को हम दूसरे ट्यून में या दूसरी स्वरावली में हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो इतना सही है उसकी जगह। अब ये उन्होंने कहाँ से लिया, उनमें खुद तो था ही, लेकिन फिर भी एक इंस्पिरेशन लेते हैं अपन लोग क्या कहते हैं संगीत से, कि वो कैसे शब्द उनके गिरते हैं लोक संगीतकारों के, या भजन गाने वालों का एक कैरेक्टरिस्टिक, या थोड़ा बहुत तो इंस्पायर होता है कहीं से। लेकिन वो होता बेसिकली उसी में है कि वो स्वरावली एस्टेब्लिश करता है, वो ऐसे स्वर देता है कि जो अर्थपूर्ण होते हैं। ये जो राग है जैतिक, हाँ, वो तो शास्त्रीय राग है। बड़ा सेटल क्रिएशन है वो, तो विशेष कुछ ये नहीं। हाँ, साधारण क्रिएशन है, बहुत सेटल बात है वो। कुछ डिफरेंस तो है नहीं उसमें, वो डिफरेंस कुमार जी के ही मुख से शोभा देता था। हम तो गाते समय उसमें कभी कभी मध्यम लगाते भी नहीं हैं, क्योंकि मध्यम की कोई भूख को अपेक्षा नहीं है। भूप और चौथी भूप इसी बात पे बना है कि मध्यम भी उसमें प्रयुक्त किया गया।